हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा शानदार, और आज हम सेट थ्योरी के प्रीवियसर क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लेवल के होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो बिल्कुल चैनल को देख लेना और वीडियो को देख के जाना, बिल्कुल तहलका वाला सारा क्वेश्चन है और सारे प्रीवियसर में पूछे गए, चाहे आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे क्लास इलेवेंथ में हो, चाहे एनडीए का, चाहे जेई का, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपके एग्जाम में सेट थ्योरी आता है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ये बात आप ध्यान से सुन लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और क्वेश्चन सारे बुक से लेकर रखा हूँ, सारा बुक याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन नंबर फिर आज स्टार्ट करेंगे, कल मैंने 5 करवाते, आज 6 से स्टार्ट करेंगे। और आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ये है, 6 आपका क्वेश्चन नंबर क्या वाला है, इफ इफ ए इज इक्वल टू, इफ A इज इक्वल टू 1357, देन व्हाट इज द कार, व्हाट इज द कार्डिनियालिटी। अबे भैया थोड़ा सा देखो, बिहारी है हम, अब भले प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट में बिल्कुल ना होगा, ठोकेंगे। देखो, कार्डिनलिटी ऑफ द पावर, ऑफ द पावर सेट, पावर सेट पी ए। अब देखो कितना बार ठुकवाओ भैया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे। देखो ऑप्शन क्या आपका 8, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं पूरा, 15, 16, 17। अब देखो क्या सॉल्यूशन करोगे, देखो अब ए आपका क्या दे रखा है, देखो ध्यान से 1357। अब क्या करे गुरुजी ऐसा जो हमको न लग पाए पैसा। देखो मैंने पावर सेट का बताया था कि कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला nth नंबर के लिए, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट पी ए इज इक्वल टू 2 के पावर कितना लिखोगे भैया, काउंट करो 1 2 3 4 4, 16 आपका राइट आंसर होगा। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या हलवा वाला करोगे, उड़ाएंगे। आप सोच लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको ठोक बजा देनी है, मेहनत तो करनी होगी ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनडीए वाला ना पूरा पागल कर दिया था सब बच्चों को। ये आपका 2-3 बार एयरफोर्स नेवी और एक आध बार जेई में पूछ चुका है और साथ में आपके एनडीए में भी आ चुका है। देखो एनडीए का प्रीवियस भी क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या, कंसीडर द फ्लोइंग, एक क्वेश्चन देखा था बच्चे पूरा कंफ्यूज, इस क्वेश्चन सारे बच्चे ने गलत कर दिया था क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज इससे पहले बता रखा था लेकिन सारे बच्चे ने इसको गलती कर दिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ये सारे बच्चे ने गलती किया है। कंसीडर द फ्लोइंग क्या दिया है, कंसीडर द फ्लोइंग, कंसीडर द फ्लोइंग क्या बोल रहे हैं आप, देखो कंसीडर द फ्लोइंग पहला दे रखा है क्या आपका, दे रखा है क्या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये सही होगा का बताओ ना हमका, सही होगा ये एकदम, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा देखो क्या दे रखा है आपका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखो भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप देख के थोड़ा डर जाओगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर दोनों सही है, एक सही है, तुक्का नहीं सिखाया मैंने, मेहनत करना सिखाया ना। देखो यहाँ पर इसका मैंने प्रॉपर्टीज क्या बताया था, देखो आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ऐसा दिया हुआ है, इसका मैंने क्या बताया था आपको, आपको बताया था कि हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये बताया था, ऐसा कुछ दे रखा है क्या, ऐसा कुछ दे रखा है नहीं, ये गलत है, गलत है, नोट डाउन कर लो, ये सही होगा आपका। अगर क्वेश्चन टू की बात करें, अबे सेम बुड़बकाई बेवकूफ है क्या एग्जाम वाला, देखो तो यहाँ पर देखो तो वही चीज, ये भी गलत कर चुका है, देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, बी यूनियन सी, इसका पता है क्या होगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, देख लिए ना, उर्दू फारसी हमें ना सिखाना, हम वही करते हैं जो सबको समझ में आता है। अब ये प्रॉपर्टीज मैं की कॉन्सेप्ट में सेट थ्योरी पढ़ाया उसमें बता चुका हूं, अब बताओ इसमें बोलो कि नहीं पढ़ाया था, बोल दो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि नहीं पढ़ाया था। भाई देख इस उम्र को ऐसे मत समझो कि इतना छोटा उम्र खुद ये क्या उखाड़ेगा, भाई देख जीवन में एक चीज याद रखना, किसी पे बिलीव सिस्टम कभी मत तोड़ना और बिलीव करना सीखो, एक बार देखो सही लग रहा है तो आप सही ही पढ़ रहे हो, और याद रखना सारे प्रीवियस क्वेश्चन है एनडीए के, ये एनडीए के कब आ चुका था 2013 के सेकंड में आ चुका है, ये 2013 के सेकंड में, नहीं विश्वास होता पाथफाइंडर का बुक उठा लेना, पाथफाइंडर का बुक उठा लेना मेरे भाई, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, और एनडीए एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड क्लास ट्वेल्थ के बच्चे बोर्ड वाले सिधर जाओ इलेवेंथ वाले, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना कभी पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, याद रखना झक मारना नहीं पढ़ने का है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी चलते, देखो बहुत ही शानदार इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन लिखेगा तेरा भाई सारा क्वेश्चन, क्योंकि आप सोचते हो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो हम करेंगे कहां से, कोई दिक्कत नहीं है, करवाऊंगा क्वेश्चन, लिखूंगा भी। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, बस मोटिवेशन बना के रखना मेरा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल टू टेस्ट वेयर कंडक्टेड, कुकर की भी सीटी आ रही है, क्या करे भैया, मजबूरी है मगर मेहनत करना हम नहीं छोड़ते। देखो 50 पीपल, उसके बाद टू टेस्ट वेयर कंडक्टेड, टू टेस्ट वेयर कंडक्टेड वन फॉर डायबिटीज एंड वन फॉर ब्लड प्रेशर, वन फॉर ब्लड प्रेशर, 30 people are diagnosed with high blood pressure, ठीक है, 30 people है जो high blood pressure से सफर कर रहे हैं, उसके बाद 40 people were diagnosed with high blood pressure, 30 diagnosed with diabetes, क्या ये डायबिटीज से है, एंड 40 people are diagnosed with
हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद बोल रहा है आपका व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु वेयर हैविंग व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु वर हैविंग who were having the best and high blood pressure। अब इतना सा लंबा क्वेश्चन दे रखा है मगर पूछता भी आसान है। लंबा क्वेश्चन से कुछ नहीं होता मेरे भाई, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आ गया उड़ा दोगे क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है, समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन को इतना रीडिंग करने, जो थोड़ा भी पढ़ा होगा वो तो उड़ा देगा। और ये आपका पूछा गया कब पता है, एयरफोर्स में पूछा गया, आपका नेवी में पूछा गया, साथ में एनडीए का 2013 का सेकंड में एनडीए में पूछा गया, एयरफोर्स में पूछा गया, आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, आपका नेवी में पूछा गया है। इतने सारे एग्जाम का सिर्फ सिंपल एक क्वेश्चन का सोल्यूशन, अब इसको नहीं बता पाओगे तो आपकी गड़बड़ी होगी। इतना आसान क्वेश्चन है, देखो अब ऐसे क्वेश्चन को क्यों नहीं बना पा रहे हो आप, कुछ तो आप में गड़बड़ी होगी ना, आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा। मैंने वेन डायग्राम्स लेके हर एक कॉन्सेप्ट आपको जिगर जहन में डाल के बताओ, मगर आपको तो कुछ पढ़ना नहीं है। देखो ध्यान से यहां पे देखो। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, सबसे पहले जानना ये तो जरूरी है। दो टाइप से बता सकता हूं मैं इसको, पहले वेन डायग्राम से स्टार्ट करूं, कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखो एक ये लिया, एक ये लिया, टू ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें 50 पीपल टू टेस्ट कंडक्टेड होता है, एक डायबिटीज का एक ब्लड प्रेशर का। तो 30 पीपल 30 पीपल डायबिटीज का है और 40 पीपल किसके है, ब्लड प्रेशर बीपी का है, बीपी का है कितना परसेंट, 40 पीपल। अब देखो क्या करना है आपको, करना क्या है आपको सिंपली सा, अब आपको बताना है कि मिनिमम नंबर क्या होगा। तो देखो ध्यान से, जिसको दोनों चीज हो तो ध्यान से देखो एक बार, टोटल कितना दिया गया है, टोटल दिया गया है 50 टोटल 50 दिया गया है। 50 टोटल कहने का मतलब ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। आपको निकालना है भैया, क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है क्या कि दोनों का मिनिमम कितना होगा। तो देखो आप 70-50 मतलब 20, ये जो होगा वो कितना होगा 20 होगा, ये कितना होगा 20 होगा भैया, 20 होगा जो दोनों को हो रखा है पहले से। अब नहीं समझ में आया देखो, अब ग्राफिकल मेथड से नहीं समझ में आया इधर आओ, देखो ध्यान से, आप ये फॉर्मूला तो जानते हो ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका कितना रखा, 50 पीपल दे रखा है, आपका जो टेस्ट सफर कर रहा है डायबिटीज से उसको ये ले लिया, इसको डी डायबिटीज से, ये ब्लड प्रेशर से। तो ये देखो कितना हो गया, ये 30 है प्लस 40 है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपका क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इधर आ गया 70-50 मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20। ये एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, मिनिमम नंबर हु हैविंग डायबिटीज, इस क्या है मिनिमम नंबर which having diabetes as well as blood pressure भी है। समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उड़ा देना क्वेश्चन को सीधा, एक एक क्वेश्चन को सीधा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने सारे पूछे गए बताइए।
अब ऐसे नहीं सॉल्व करोगे तो किस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे मेरे भाई, सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके 2013 एनडीए साथ में आपके नेवी के एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। इसमें यही बोल रहा है कि नॉन एम्प्टी सेट का कौन सा एग्जाम्पल है। देखो चार ऑप्शन लिखेंगे तो फिर बोर्ड बनेगा, जो सही ऑप्शन है उसको लिख के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। अब क्या करें, आपको समझ में आना चाहिए, इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है, इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है। समझ में नहीं आएगा तो ये तो आप ही की गलती होगी ना, तो समझ में अच्छे से आना चाहिए, पूरे अच्छे हल्के तरीके से, कोई आपको ना रोक पाए। इधर देखना भी पड़ता है ना यार, कैमरा कहीं ब्लर ना आ जाए ताकि आपको अच्छे से ना दिखे, तो उसके लिए भी चिल्लाओगे गुरु जी आपने लेक्चर लिया लेकिन मैं ठीक से नहीं देख पाया। तो हर चीज को लेना पड़ता है, अकेले सारा काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। देखो जोक्स अबाउट जो भी बातें है उस पर ध्यान ना देके स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। इतने क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन उड़ा दिए, सोच रहा हूँ गर्मी तो बहुत लग रहा है मगर मेहनत तो होगा ही बस, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फ्लोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। ये कुकर का सीटी ना मुझे सीटी दे रहा है, गुस्सा दिला रहा है, मगर खाना भी खाना जरूरी है ना। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ नॉन एम्प्टी सीट, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। अब देखो इसमें से कौन ऐसा है जो नॉन एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, तो देखो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, सारा ऑप्शन लिखूंगा फिर आप बोलो गुरुजी पूरा कॉपी ही भर रखे हो, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला ना वो बहुत ज्यादा धांसू है, पूरा धांसू है भैया, धांसू है धांसू। देखो अब देखो क्या करोगे, इसमें से देखो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, देखो बी नंबर। इसमें बोल क्या रहा है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज रेशनल, बिल्कुल सही है। एक्स के जगह पे कुछ भी डालो जरूर छोड़ेंगे कि जीरो आएगा, जीरो भी आ सकता है जब एक्स रेशनल हो, बिल्कुल। यहाँ पे जीरो पुट करो टू आएगा, टू पुट करो जीरो तो कभी आ ही नहीं सकता। तो याद रखना ऐसे सेट को क्या बोलते हैं हम, नॉन एम्प्टी सेट। 41 का बी जो होगा राइट आंसर होगा, लिख लेना। अब इस इतना समझ में नहीं आया ये तो समझ के पुट करके देख लो ना भाई, समझ में आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है मगर ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार जेई में, न जाने कितनी बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में, न जाने कितनी बार एनडीए में, न जाने कितनी बार नेवी में, डिफिकल्ट क्वेश्चन है भैया ये देखो। लेकिन डायग्राम से, वेन डायग्राम से उसको वेन की तरह उड़ाएंगे, ठीक है। देखो वो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए बोर्ड को पूरा मिटाना पड़ेगा। देखो यहां पर ध्यान से सीखते रहो, बस यही मेरी इच्छा है, एक भी बच्चा देखे अगर उसको समझ में आ जाए ना, समझो मेरा वही तक वही मेरी सफलता है, बस इतना ही बोलूंगा। मैं जो भी पढ़ाऊ ऐसे जितने ही बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको सारा समझ में आता है, कोई तकलीफ ना होती है। मगर अगर आपको समझ में आ गया इसका मतलब कि मैं बहुत खुश नसीब हूं, ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हूं। देखो अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे छोड़ के आते एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर समझ लो 10-11। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए सर्वे 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 15 हैव टेकन मैथमेटिक्स,
सर्वे होता है जिसमें सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट का होता है, खासकर 25 स्टूडेंट्स का होता है, और इट वाज फाउंड दैट 15 हैव टेकन मैथमेटिक्स 12 हैव टेकन फिजिक्स 12 हैव टेकन फिजिक्स उसके बाद बोल रहा है एंड 11 हैव टेकन क्या केमिस्ट्री उसके बाद बोल रहा है 5 हैव टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री 5 हैव टेकन मैथ्स एंड वही मैथमेटिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री 9 हैव टेकन ये 9 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मैथ्स एंड फिजिक्स एंड 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड थ्री हैव टेकन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स ठीक है। अब देखो, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हमें तो फोड़ना आता है ना, फोड़ना, तो ऐसे क्वेश्चन को हम तो नहीं छोड़ सकते ना, हम तो कभी नहीं छोड़ सकते। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ आपसे रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स। पहला बोल रहा है 10 नंबर द नंबर ऑफ स्टूडेंट The number of students who have physics option में देख लीजिए 3, 5, 6 क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपको क्या, दिख रहा है कि नहीं एक बार देख लेता हूं, यहां से दिख रहा है कि नहीं नीचे 11 तक, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल दिख रहा है आपको, दिख जाएगा। देखो अब 11 नंबर आपको क्या बोल रहा है, 11 नंबर आपको बोल रहा है क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट who have taken two subjects each, option में दे रखा है आपका 7, B में 8, C में 9 और D में 3 ठीक है। अब ये देख रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया आपको, ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, वेन डायग्राम से इसको देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाओगे तो बनने का बहुत ही कम चांस होता है, बच्चे गलतियां बहुत करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, सबसे तगड़ा तरीका है इसको वेन डायग्राम ड्रॉ करने का। देखो आपका क्या है, 3 सब्जेक्ट है, एक है मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो सबसे पहले 3 सब्जेक्ट है तो 3 गोला ड्रॉ करेंगे, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है ये ले लिया।
मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। अब देखो तीनों गोले ले लिया, अब आपको क्या है 25 स्टूडेंट है, इट वॉज फाउंड 15 हैज टेकन मैथमेटिक्स, बाहर लिख लेते हैं 15 मैथ है, ये क्या है आप ले लो क्या, फिजिक्स 12 है, केमिस्ट्री कितना है आपका 11 है। अब ध्यान से देखो, 3 हैव टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट, सबसे पहले इस लाइन पे आ जाओ, 3 हैज टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट, 3 है वो सारा सब्जेक्ट को ले रखा है भैया, ठीक है। देखो यहां पे हमने डाल दिया ये 3, ये सारा सब्जेक्ट ले रखा है कौन 3, तीनों देखो तीनों में आ रहा ना 3 सब सब्जेक्ट ले रखा है। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, अब ध्यान से करोगे क्या, आप इसको पढ़ोगे, किसको, इसको 5 हैव टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 5 हैव टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री कितना आपका 5 है, तो कितना हो गया 5 हो गया मैथ और केमिस्ट्री का। उसके बाद क्या बोल रहा है, 9 हैव टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स कितना दे रखा है 9, तो यहां पे 9 लिख देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 4 हो गया, ठीक है। अब इतना समझ में आपको आ गया होगा, इतना में कोई तकलीफ ना हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, बिल्कुल नहीं हुआ होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, बच्चे ये भी गड़बड़ करते हैं, सारे चीज को कैसे लिखना है, पहले से 3 ले रखा है, तो यहां पर देखो क्या, 5 हैव टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री में 5 है, 3 तो पहले से ले रखा है, तो क्या बचेगा 2। नहीं समझ में आया, देखो इधर इधर देखो इधर देखो इधर देखो, आपको बोल रहा है 3 जो है ऑल सब्जेक्ट का है, क्या ऑल सब्जेक्ट का है, 3 सब सब्जेक्ट का है, 3 में से एक चीज ध्यान रखो कि यहां पर बोल रहा है आपका 5 हैव टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 5 आपका मैथ और केमिस्ट्री दोनों है, जिसमें से 3 सब सब्जेक्ट का, तो इसमें भी तो मैथ और केमिस्ट्री होगा ना, मैथ्स एंड केमिस्ट्री होगा ना, होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का है तो मैथ केमिस्ट्री होगा ना, तो 5 था जिसमें से 3 तो पहले ही ले रखा है, तो बचा कितना 2। अब देखो 9 हैव टेकन मैथ एंड फिजिक्स, 9 हैव टेकन मैथ एंड फिजिक्स, 9 हैव टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, तो पहले से तो कितना हो रखा है आपका, जल्दी से बताओ पहले से कितना हो रखा है आपका, पहले से कितना हो रखा है जल्दी बताओ, पहले से कितना हो रखा है, पहले से कितना हो रखा है जल्दी बताओ, 5 हो रखा है, तो क्या लिखा है उसमें जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, पहले से क्या क्या बोल रहा है, मैथ्स एंड, यहां पे बोल रहा है मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स में आपका कितना है, मैथ और फिजिक्स में आपका कितना दे रखा है 9 दे रखा है, तो यहां पर तो 3 ही है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा मैथ्स और फिजिक्स में, यहां पे हो जाएगा 6 आपका, क्या हो जाएगा मैथ फिजिक्स में 6 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 4 ले रखे हैं हम, 3 पहले से है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, देखो 3 ऑल सब्जेक्ट का है, ऑल सब्जेक्ट का है, अब बचा कितना 5 हैव टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री, 5 के क्या ले रहा है मैथ्स और केमिस्ट्री लग रहा है, पहले से 3 है 2 कर दिया मैथ और केमिस्ट्री में 5 हो गया 5। अब क्या कह रहा है 9 हैव टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, 9 मैथ का है जिसमें से 3 पहले ही गायब हो चुका है, तो 6 बचा मैथ्स और फिजिक्स का। वहीं पे 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है, तो देखो 4 तो पहले से 3 ले रखा है, तो 1 हो गया। अब आपसे बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स, तो आप देखो ओनली फिजिक्स कितने स्टूडेंट ले रखा है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से, देखो 6 3 9 2 11 यहां पे क्या हो जाएगा 4, क्योंकि टोटल 15 है, 6 3 9 2 11 यहां पे 4 लिखेंगे इसलिए क्योंकि टोटल 15 है। उसके बाद देखो 6 3 9 1 10 और टोटल कितना है आपका केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कितना टोटल 12, तो 6 3 9 1 10 तो यहाँ 2 हो जाएगा। वही पे बात कर ले केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री आपका क्या है 11 है, तो 3 2 5 1 6 तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा,
अब तो आपको बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स ले रखा है, तो अब इसमें क्या दिक्कत है भैया? सीधा सीधा दिख रहा है कि फिजिक्स कितना ले रखा है आपका, फिजिक्स कितना ले रखा है आपका, जल्दी से देख के बता दो। ओनली फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स कौन है, सिर्फ फिजिक्स कौन है, देखो देखो सिर्फ फिजिक्स कौन सा है इसमें, तो आप खुद ध्यान लगा के थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लो मेरे भाई कि फिजिक्स कितना है आपका, जो सिर्फ फिजिक्स ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ क्या करोगे आप क्वेश्चन में। देखो अब टोटल कितना है, 12, 12 में से कितना घटाओगे, देखो यहाँ पर टोटल कितना है आपका, टोटल फिजिक्स का कितना है, टोटल फिजिक्स का कितना है, 12 है, और कितना घटाओगे, इसको नहीं घटाना है। अब बोलो क्यों नहीं घटाना है, उसको क्यों नहीं घटाना है गुरुजी, क्योंकि पहले से ही टोटल फिजिक्स है, पहले से ही टोटल फिजिक्स है। तो देखो 6, 3, 9, 1, 10, यही 6 + 3 + 1, तो क्या हो जाएगा, 12 - 10 = 2। तो टोटल फिजिक्स कितना हो जाएगा आपका, टोटल फिजिक्स कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, टोटल फिजिक्स आपका हो जाएगा क्या, 2। ये क्वेश्चन एक बार समझ गए ना, जीवन में कभी, जीवन में बात कर रहा हूं, जीवन में एक दिन की नहीं पूरे जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। अब आपका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन 2 सब्जेक्ट, सिर्फ 2 सब्जेक्ट कितना स्टूडेंट ने ले रखा है, अब काउंट कर लो, 9 है क्या, देख लो आप, देख लो अबे भैया यही तो है, 6, ये 6 वाला, ये 2 वाला और ये 1 वाला, 3 क्यों नहीं लिया, 3 तो तीनों सब्जेक्ट ले रखा है ना, तो यहाँ पर 6, 2, 8, 1, 9, तो 6 + 2 + 1 = 9। और ये क्वेश्चन ना इतने तहलके है ना, हर एक एग्जाम आपका नेवी से लेकर नेवी जेई एनडीए 2016, 18, 20 जितनी बार कर लो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये रामबाण क्लास है और सीधा उड़ा दूंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आई होप नहीं बिल्कुल अच्छा लगा होगा, इतने कॉन्सेप्ट तहल के तरीके से आपको मैंने पढ़ाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक के आना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किस पार्ट में समझ में नहीं आया, एक एक चीज गर्दा उड़ा दिया हो ना। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।